श्रुति नंदा लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। सबसे पहले श्रुति आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, बेहद खूबसूरत तोहफा जो हमें कुदरत ने दिया, आंखें, इसको संवारना। सबसे ज्यादा जब आप आई मेकअप करें तो किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? उसकी लास्टिंग पे आप आई मेकअप करके जैसे किसी पार्टी में आप जा रहे हो तो आप शुरू से आखिरी तक उतने ही खूबसूरत दिखने चाहिए। आपने पार्टी में एंटर किया, आप आंखें बहुत प्यारी लगी, लेकिन वो डल होती गई तो वो नहीं चलता है। तो उसके लिए हमको आई प्राइमर, मेकअप प्राइमर अपने को यूज़ करना पड़ता है। तो लास्टिंग पे पहले ध्यान देना है, आपको हाँ प्राइमर पहले लगाना है। ठीक है, हाँ हमने प्राइमर लगाया, देन उसके बाद हमें क्या करना है फिर? आई मेकअप करने के लिए प्राइमर के बाद आपको पाउडर से उसे सेट करना होगा। सेट करने के बाद पहले एक ट्रांसलेशन कलर लगाना होता है जो हम आई लिड एरिया पे यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर कलर आपको धीरे धीरे इन्हेंस करना होता है। पहले लाइट शेड, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर आप आर्टिफिशियल लेसेस लगाना चाहते हो तो लेसेस लगाएंगे, फिर काजल, और उसके बाद मस्कारा और लाइनर। ठीक। नहीं, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक ये बड़ा बारीक सी चीज़ है, आपने जैसे कहा कि पहले हम आई शेडो लगाएंगे। आई शेड लगाने के भी कई तरीके होते हैं, कई डबल शेड में लगाते हैं, कुछ 3 शेड्स में, कुछ 4 शेड्स भी करते हैं। अभी इस सीज़न की बात की जाए तो ये प्यार का महीना चल रहा है और इस दौरान शादियाँ भी हो रही हैं, तो हम बारी बारी से जानेंगे आपसे कि यदि हमने कुछ एथनिक पहना हुआ है तो आई मेकअप कैसा होना चाहिए, या क्या कलर्स इन हैं जो कि हमारे आई शेड्स में अच्छे लगने चाहिए या अच्छे लगेंगे अभी इस दौरान। शिमरी कलर्स, ग्लिटर कलर्स तो अच्छे लग ही रहे हैं, अभी सब पसंद कर रहे हैं। 3D आई लुक भी पसंद कर रहे हैं लोग। 3D आई जो मेकअप होता है उसमें जिस कलर का आप ड्रेस पहनते हैं उसके कलर को ही आप यूज़ करते हो, और अपने ड्रेस में गोल्डन या सिल्वर जो भी आपने है आपके ड्रेस में उस कलर को आप सेंटर पे लेते हो, तो ये आपका 3D आई लुक बनता है। यहाँ पे श्रुति एक चीज़ समझाइए हमारी, जो खासतौर पे जो लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत ये रहता है, बहुत कॉन्शियस रहती हैं अपने मेकअप को लेकर। जो शेड हैं, आई शेड्स हैं, पहले लाइट और फिर फिर थोड़ा सा डार्क, फिर डार्क, डार्क। फिर और डार्क, मतलब 3 शेड्स यदि हमको फॉलो करने हैं तो सबसे लास्ट में, मतलब ये जो एरिया है आपका उसमें सबसे डार्क लगाना है। हाँ, सबसे आउटर कॉर्नर पे आपको डार्क शेड लेना है, और उसके लिए आपको एक एंगुलर ब्रश लेना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल ब्रश से उस किनारे को आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एंगुलर ब्रश यूज़ कीजिए आप। और उसको पकड़ने का तरीका भी होता है, ब्रश को आप बहुत पास से नहीं पकड़िए, थोड़ी दूर से पकड़िए ताकि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो बहुत ज़्यादा कलर आपकी आंखों पे वहाँ लग जाएगा, और वो फिर आप इतने हड़बड़ी में होते हैं कि बार बार मेकअप रिमूव करके आप फिर बार बार नहीं कर सकते हो। ठीक। लेकिन ये लास्टिंग का जो जिक्र आप अभी कर रही थी हमारे दर्शकों के साथ, ये लास्टिंग के लिए क्या आई शेड्स में भी, जैसे कई तरीके के आई शेड्स आते हैं, कुछ थोड़े से लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ ड्राई फॉर्म में होते हैं, तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए यदि हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं आई मेकअप? अगर हमको बहुत देर तक के लिए चाहिए, जैसे हम ब्राइडल्स में यूज़ करते हैं तो हम क्रीम आई शेडो पहले यूज़ करते हैं, क्रीम आई शेडो के ऊपर पाउडर आई शेडो भी लगाते हैं। दोनों अगर हम लगाते हैं तो उसका ड्यूरेशन जो है बहुत लंबा चलता है। ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि हमें आई शेड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे नेचुरली सबसे अच्छा कौन सा लगता है? मतलब देखिए, ये हर कोई चाहता है कि हम मेकअप करें भी और दिखे और भी ना दिखे भी नहीं। ना और हम खूबसूरत भी लगें, हाँ तो ये किन कलर्स के साथ संभव होता है श्रुति? पिंक कलर, पिंक कलर ऐसा कलर है जो एज्ड लेडीज़ लगाएंगी उनको भी अच्छा दिखता है, छोटी 16-17 साल की लड़कियों को भी सुंदर लगता है, और मैच्योर एज की लड़कियों को भी अच्छा लगता है। जो भी, हर कोई उसे यूज़ कर सकता है पिंक कलर, और हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। ठीक। और इसके अलावा यदि हम ऑफिस जाते हैं और हमें हल्का फुल्का मेकअप करना है आई मेकअप, उनके लिए किस तरह के शेड्स आप सजेस्ट करेंगी? ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर्स है, और हल्का उनको उनके ड्रेस से मैच करता हुआ कलर लेना है, लेकिन बहुत कलर बहुत लाइट, बहुत डार्क शेड नहीं। दिन के समय एक्चुअली बहुत डार्क शेड अच्छा लगता नहीं है, और ऑफिस तो उनको दिन को ही जाना होता है। हाँ राइट। श्रुति, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमने शेड्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब बारी आई है आईलाइनर की। आईलाइनर अभी मार्केट में बहुत सारे कलर्स के मिल रहे हैं, तो अभी कौन से कलर्स ट्रेंड में चल रहे हैं, किन कलर्स को हम वेयर कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो कैसे कलर लगा सकती हैं, यदि हम किसी शादी में जा रहे हैं तब हमें क्या कैरी करना ठीक रहेगा? अभी तो ब्लू कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये सब बहुत फैशन में है, बहुत इन है कलर्स सब, और बहुत सुंदर लगते भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता आई मेकअप में, आप सिर्फ अगर आई एरिया पे भी थोड़ा फोकस करते हैं और लाइनर, आप कलर्ड लाइनर यूज़ करते हो तो आपकी ब्यूटी बहुत बढ़ जाती है।
आई मेकअप वैसे हम लोग आमतौर पे थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि क्या क्या लगाया जाता है, लेकिन उसकी सही टेक्निक नहीं जानते, और जिसकी वजह से कई बार वो भद्दा लगता है, कई बार वो ओवर लगता है। वो ओवर ना लगे, आपकी आंखें खूबसूरत दिखें, और यदि आपकी आंखें छोटी हैं तो आप उनको कैसा बड़ा दिखा सकती हैं, कैसे आप आई लैशेस को बेहतर दिखा सकती हैं, आपकी आईब्रोज को कैसे आप खूबसूरत दिखा सकती हैं, सब कुछ जान रहे हैं श्रुति नंदा, लगातार हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट बनी हुई है हमारे साथ। श्रुति, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आई लैशेस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हम मेकअप करते हैं, आई मेकअप। पहले तो लैशेस आर्टिफिशियल भी लगाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल वो कैसे लगाते हैं, उनको कैरी किस तरह करना चाहिए, कितनी देर किया जा सकता है, और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आई लैशेज अब जब लगा रहे हैं तो मेकअप कंप्लीट होने के बाद लाइनर लगाने से पहले आपको आई लैशेज लगाना है, और उसके बाद सबसे पहले आपने अपने आँखों को नापना है। नापने के बाद जब जितनी अगर बड़ी है अगर लैशेज आपकी आँखों से, तो आपको उसमें कट कर देना है। कट करने के बाद बहुत सावधानी से डायरेक्ट आपको ट्यूब से उस पे आई लैशेज पे ग्लू नहीं लगाना है, आप कहीं हाथ पे या कहीं निकाल लीजिए, फिर धीरे से किसी छोटी चीज़ से ब्रश वगैरह के किनारे से आप उस पे लगाइए, उसे सूखने दीजिए। 30 तक आप काउंट करिए, तब तक वो सूख जाएगा। फिर पहले सेंटर पे लगाइए, और सेंटर पे लगाने के बाद फिर दोनों साइड से चिपका दीजिए। अच्छा, वैसे ये खुद से भी लगाया जा सकता है, हाँ हाँ मतलब यदि बिल्कुल, सावधानी बरत के लगाया हाँ हाँ जाए, या बिल्कुल किसी फिर बिल्कुल, और से भी लगवा लिया जा नहीं सकता नहीं है खुद भी पार्लर लगा में? सकते हैं, लेकिन तरीका वही रहेगा कि हाँ, आपको पहले अपने आँखों को नापना होगा, जितनी लेसेस पड़ी है उसको कट करना होगा। कट करने के बाद फिर आपको डायरेक्ट ट्यूब से नहीं लगाना है, आपको उठा के किसी ब्रश से इस तरह से लगाए, फिर यहाँ लगाने के बाद आपको थोड़ा प्रेशर से दबा देना है और उसे सूखने देना है। डायरेक्ट गीले गीले लेसेस आप लगाएंगे नहीं, ना तो वो आँख के अंदर चले जाएगा, तो जलन अलग होगी, नहीं और वो अच्छा भी नहीं लगेगा यदि बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, हाँ काफ़ी और सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन इस बीच अब आई लैशेस कैसे हम जो है बड़ा दिखाई दे, हम नहीं लगाना चाहते आर्टिफिशियल आई लैशेस, हाँ हम खुद जो हमारी लैशेस हैं उन्हीं को यदि मैं इन्हेंस करना है और ज़्यादा अच्छा दिखाना है, तो जो मस्कारा है उसको लगाने का सही तरीका क्या है? मस्कारा तो नॉर्मल, आप जब देखते हो मस्कारा लगा रहे हैं आप, तो आपको 90 डिग्री में देखना है बिल्कुल सीधा, और आंखों को थोड़ा ज़्यादा ओपन करना, आईज पूरी ओपन करनी है, और अंदर से बाहर की तरफ आपको ब्रश चलाना है। उसके बाद करीब उसे सूखने देना है, और 2 से 3 कोटिंग करनी है। और अगर आपको बहुत हैवी लैशेस लुक चाहिए तो आप उसके लिए फाइबर मस्कारा यूज़ करें, या अभी नया आया है मार्केट में जो फाइबर मस्कारा से भी आपको आई लैशेस लगा जैसा लुक भी आ जाता है। बिल्कुल, और उसके लिए वही आपने कहा कि अंदर से बाहर की तरफ हाँ, कोटिंग अंदर से बाहर करनी। की तरफ जाना है, आंखें थोड़ी खोलनी है, और 90 डिग्री में देखना है ठीक है मिरर में आपको। ठीक है, जो आंखों के नीचे हिस्से में जो लैशेस रहती हैं यहाँ पर, वहाँ उसके लिए भी आप वैसे ही फॉलो करना है आपको? नीचे के एरिया में हाँ सेम है, लेकिन उसके लिए आप जैसे मार्केट में एप्लीकेटर्स अवेलेबल है, अगर आपको परेशानी होती है तो एप्लीकेटर से भी आप लगा सकते हो, वो नीचे स्किन पे नहीं लगता उससे। और अगर आपके पास वह उस तरह का कुछ नहीं है, तो आप आँख बस जो बिल्कुल खोल के रखे हो, तो ऊपर साइड से आप नीचे लगाओगे। हाँ श्रुति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आंखें छोटी या बड़ी है, आपने मेकअप के जरिए उसको बड़ा दिखा दिया। जिन लोगों की आंखें छोटी हैं लेकिन उनको यदि बड़ा दिखाना है तो काजल किस तरह लगाना है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप नीचे काजल को अप्लाई मत करिए या आधी आंख में काजल लगाइए, क्या होता है सही तरीका दरअसल? आँख के अंदर आप ब्लैक काजल लगाते हो तो आँखें आपकी थोड़ी और छोटी लगेंगी, तो अंदर आप व्हाइट काजल लगा सकते हो, आँख के अंदर व्हाइट काजल लगाइए। आउटर आपको थोड़ा सा हाफ आई तक आपको नीचे का लाइन कर सकते हैं, हाँ पूरे आई के नीचे नहीं करना है, हाफ आई अगर आपको बड़ी दिखानी है तो। हाँ, इसके अलावा अब बारी आती है आईब्रोज़ की, क्योंकि आईब्रोज़ के साथ ही आंखों का जो पूरा एरिया है वो कंप्लीट होता है, खूबसूरत दिखता है। पहले तो श्रुति, कैसी आईब्रोज़ खूबसूरत मानी जाती हैं? मतलब जैसे वो कहते हैं ना, तीर कमान सी आपके भोहे हाँ हैं, और मतलब कैसी राउंड वाली होती है कुछ लोगों की, कुछ पहले आर शेप पहले में की होती है? हीरोइंस की जो रहती थी उनके तो राउंड आईब्रोज होती थी, लेकिन आजकल जो होता है एंगुलर जो रहता है, एंगुलर शेप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मॉडल्स का एंगुलर फॉर्म होता है, तो आजकल लड़कियां भी एंगुलर ही पसंद करती हैं। उसके लिए आपको आईब्रो स्टार्ट में थोड़ी मोटी हो, बीच में थोड़ी पतली, और आखिरी जाते हुए पतली हो जाए, उस टाइप की आईब्रो को शेप को सबसे सुंदर माना जाता है। ठीक है, अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्रुति आपसे कुछ सजेशन लेना चाह रही हैं, रायपुर से उन्होंने कॉल किया है। स्वागत है अंजलि, क्या सवाल है? जी, मेरा जब मैं मस्कारा लगाती हूँ तो वो फैल जाता है, तो सही तरीका लगाने का आप मुझे कुछ एडवाइस दे दीजिए। हाँ, वैसे तो ये तरीका अभी बता चुकी हैं श्रुति नंदा कि कैसे आपको लगाना है, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए
क्या है सही तरीका मस्कारा लगाने का? ये ज़्यादातर लड़कियों के सवाल होता है ये। एक तो सबसे पहली बात है कि आपको अच्छे ब्रांड का मस्कारा लेना है, सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद अच्छे ब्रांड का आपने लिया है, उसको सूखने तक वेट करना है। और तीसरा, आँख आपको थोड़ा खोल के रखना है, थोड़ा ज़्यादा खोल के 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट देखना। स्ट्रेट देखने के बाद आप लगाओ और फिर पलके मत झपकाओ, सूखने तक वेट करो, फिर सेकेंड कोटिंग करो। बड़ा मुश्किल होता है श्रुति, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, मतलब नहीं कर पाते हैं, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, खूबसूरत भी दिखना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी लड़कियां तैयार होने के लिए और अच्छे अच्छे जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके लिए इतना तो आप कर सकते हैं। अंदर से बाहर की तरफ लगाना है, लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, वो कि ब्रांड, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं और उनके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ठीक नहीं है। आप ब्रांड का यूज़ करिए और अच्छे ब्रांड को चुनिए। अभी आपने फाइबर मस्कारा का भी फाइबर सजेशन दिया मस्कारा, है हाँ कि ये हाँ अभी चल रहा है, इन है, यदि आप ज़्यादा थिक दिखाना चाहती हैं अपनी आँखों को। आईब्रोज के शेप के बारे में यहाँ पर श्रुति हम बात कर रहे थे, आईब्रोज के नीचे भी हाईलाइटर वगैरह लगाया हाँ जाता है हाँ ताकि वो और ज़्यादा अच्छा दिखे वो एरिया, वो कौन से कलर हमें उसमें यूज़ करने चाहिए? फेस को हाईलाइट करने के लिए स्किन के और आँख के दोनों के लिए अलग अलग हाईलाइटर मार्केट में पहले ही अवेलेबल है। तो आपको आई एरिया का जब मेकअप करना है उसके लिए आप हाईलाइटर ही खरीदोगे, और उसका बहुत छोटे से ब्रश से अब बिल्कुल जो आर्च होती है आईब्रो की, उस आर्च पे सबसे पहले लगाओगे, उसके बाद उसको दोनों साइड आप मच कर दोगे। बिल्कुल। यहाँ एक और चीज़, अब श्रुति चूंकि समय भी नहीं बचा है, हमारे दर्शकों से विदा लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन बहुत ज़रूरी कि आपने मेकअप करना तो बता दिया, लेकिन रिमूव करते वक्त क्या सावधानी रखें ये भी, और कितना ज़रूरी है कि आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जितना आपने मेकअप किया है उतनी मेहनत आपको क्लीन करने में भी करनी है, उसका सही तरीका क्या है? आई मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको तो अपने आईलैशेस खोल लेने हैं। आईलैशेस अगर आपको रीयूज करने वाले हैं तो उसको आप संभाल के बॉक्स में रख सकते हैं, उसे चाहे तो आप वॉश भी कर सकते हैं, तो जो मस्कारा वगैरह आपने लगाया वो निकल जाएगा, सुखा के फिर बॉक्स पे आप रख लीजिए, है ना। और बाकी फेस को क्लीन करने के लिए आप कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, मेकअप रिमूवर से भी कर सकते हैं। तो जो आपको सूट करता है, यदि ऑयली स्किन है तो यदि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको पिंपल आ जाएं, और कई लोगों को प्रॉब्लम होती है आंखों में क्रीम जब जाता है, तो यदि क्लिंजिंग मिल्क का आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी करना है बहुत मेकअप सावधानी से रिमूवर करना है। सबसे बेस्ट है। हाँ, और यही चाहेंगे कि बहुत सावधानी से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आँखें जो हैं वो बहुत कीमती तोहफा है और इसको किसी भी हाल में हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। मेकअप ठीक है, खूबसूरती ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्दी और स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे तभी आप बोल्ड एंड ब्यूटिफुल देख पाएंगे, यही हमारी भी कोशिश रहती है। श्रुति बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आने के लिए, और इसी के साथ फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला INH पर, बनी रहिए हमारे साथ।